उतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे फर्स्ट ब्रेक डाउन यहाँ पे आ रहा है, मार्केट रेंज क्रिएट करके यहाँ पे जब ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे कोई भी सी खरीदेगा नहीं, क्योंकि ब्रेक डाउन आया, मार्केट वन डायरेक्शन है, कोई भी सी यहाँ पे खरीदने को तैयार नहीं होगा। जब मार्केट यहाँ पे 3:15 पे क्लोज हुआ तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन, सेलिंग प्रेशर अभी भी हाई है, एंड मोमेंट पे मार्केट 3:15 पे क्लोज हुआ, मार्केट डे हाई का ऊपर नहीं जा पाया, डे लो के नीचे ही क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर मार्केट गैप डाउन। अब यहाँ से ये सेकेंड वेव तैयार हुआ, अब थर्ड वेव देखिए, थर्ड वेव मार्केट अच्छा सा रेंज क्रिएट किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया 3:15 में, मार्केट ट्रेड लाइन के नीचे आया, थर्ड वेव में उससे भी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एकदम प्रोबेबिलिटी कम जाता है कि बायर्स यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे। फोर्थ वेव उससे भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, सेम देखिए यहाँ पे भी जैसे गैप अप,